हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। नमस्कार साथियों। साथियों, जो मैं प्रैक्टिस की एक सीरीज करा रहा हूँ, उसी में आज चौथी कड़ी आपके सामने है। बस आप लोगों से आशा है कि ऐसे ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कमेंट्स करते रहिए। जहाँ गलती होगी वहाँ तो आप बताएंगे, मुझे ऐसी आशा है। और शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, इसका आंसर है एलन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुस्तकालय अधिनियम पुस्तकालय आंदोलन को पुष्ट करते हैं? तो दोस्तों, धन की उपलब्धि, स्थानीय पुस्तकालय प्राधिकरण की स्थापना, सेवा को निःशुल्क प्रदान करना, ये सभी आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PEMST क्रम को निम्नलिखित में से किसके साथ प्रयुक्त किया जाता है? तो दोस्तों, PEMST को हम जो है मुख्य वर्गों के साथ रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकें जिनका अंतिम भुगतान पूर्ण अथवा कुछ अंशों में कर दिया जाता है, उसे क्या कहा जाता है? फ्रेंड्स, उसको सशुल्क पुस्तकें या सब्सक्राइब्ड बुक बोलते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एटम इंडेक्स किसके द्वारा प्रकाशित है या इसका पब्लिशर कौन है? तो दोस्तों, एटम इंडेक्स का पब्लिशर हमारा इनिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यार्टलिस निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स, ये क्या है, पुस्तकालय सूचना विज्ञान के प्राध्यापकों का एसोसिएशन या संघ है। नेक्स्ट है, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग निम्नलिखित में से क्या है? तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड ऑफ लर्निंग जो है हमारी डायरेक्टर या निर्देशिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुक्स इन प्रिंट को निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत श्रेणीबद्ध कर सकते हैं? तो फ्रेंड्स, बुक्स इन प्रिंट हमारी क्या होती है, वह अमेरिका की व्यापार ग्रंथ सूची है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है? ध्यानपूर्वक देखिए, कह रहा है सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। तो फ्रेंड्स, पेटेंट हमारा सूचना का द्वितीयक स्रोत नहीं है। पेटेंट क्या है हमारा? प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी संघ सूची से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, NUCSSSI, ये क्या है हमारी, यूनियन कैटलॉग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय विज्ञान सारांश इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट को किसके अनुसार क्रमबद्ध करते हैं? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है UDC। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रयोक्ता या यूजर को सूचना के यथार्थ स्रोत तक निर्देश निम्न में से किस रूप में होता है? तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है 4, निर्देशित डाटा सेवा रेफरल सर्विस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्धिक संपदा अधिकार नियम किस रूप में मान्य है? तो फ्रेंड्स, जो बौद्धिक संपदा अधिकार है वह प्रकाशन अधिकार और पेटेंट दोनों रूप में स्वीकार है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गजट किसके बारे में सूचना देता है? तो दोस्तों, गजट सरकारी घोषणाएं और अभिसूचनाओं के बारे में हमको सूचना देता है। एक मोनोग्राफ के सूचीकरण हेतु सूचना का मुख्य स्रोत क्या है? दोस्तों, मुख्य प्रश्न ही कैटलॉगिंग के लिए सबसे मेन सोर्स है, मोनोग्राफ हो या बुक्स हो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी ग्रंथ सूची से क्रमबद्ध आंकड़े एकत्रीकरण डेटाबेस किसके अंतर्गत कौन सा मुख्य लक्षण है? फ्रेंड्स, किसी भी ग्रंथ के क्रमबद्ध आंकड़ों के एकत्रीकरण के लिए
जो है मेन एंट्री एक्सेस पॉइंट हमारा मेन लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचीकरण सिद्धांत पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन पेरिस में कब हुआ था? तो फ्रेंड्स यह 1961 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSO से क्या तात्पर्य है? तो BSO क्या है दोस्तों? यह वर्गीकरण योजना है, पूरा नाम है ब्रॉड सिस्टम ऑर्डरिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भित्ति चित्र सिद्धांत वॉल पिक्चर प्रिंसिपल निम्नलिखित में से किस के विषय में है? फ्रेंड्स यह पक्ष अनुक्रम के विषय में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉलन क्लासिफिकेशन में सेमी कॉलन किस चीज़ को दर्शाता है? तो फ्रेंड्स वह मैटर को दर्शाता है। और एनर्जी के लिए क्या प्रयोग करते हैं? कॉलन का प्रयोग करते हैं ना फ्रेंड्स। व्यक्तित्व पक्ष के लिए क्या करते हैं बताइए? और स्थान के लिए डॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विविभाजन विभाजन या डाइकोटोमी तात्पर्य निम्नलिखित में से कितने विभाजन से है? तो दोस्तों द्विविभाजन विभाजन जैसा कि नाम से प्रतीत होता है, द्वि मतलब दो, तो इसका आंसर दो है। शिक्षकों के लिए मनोविज्ञान शीर्षक का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार का है? तो फ्रेंड्स इसका जो संबंध है वह झुकाव या अभिनत प्रकार का है। नेक्स्ट है, UDC में सेमीकोलन किसके लिए प्रयुक्त होता है? फ्रेंड्स UDC में संबंध के लिए सेमीकोलन का प्रयोग होता है। DDC में ज्ञान जगत का सर्वप्रथम वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है? तो फ्रेंड्स ज्ञान जगत का वर्गीकरण DDC में 10 मुख्य वर्गों में किया गया है, 10 मेन क्लास। शोध स्तर पर किसी शोधकर्ता द्वारा पुनर्प्राप्ति के अंतर्गत विभिन्न संयोजन को निम्नलिखित में से किस रूप में जाना जाता है? तो यह पोस्ट समन्वय है, पोस्ट कोऑर्डिनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल्य की दृष्टि से कार्य अवधि का आंकलन या मापन निम्नलिखित में से प्रभावित करता है? तो वह मूल्य प्रभावीकरण को प्रभावित करता है। फ्रेंड्स PERT किसके लिए होता है? यह प्रणाली विश्लेषण के लिए होता है। और PERT का फुल फॉर्म क्या होता है? प्रोग्राम इवेलुएशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पुस्तकालयों में निधानी सूची पत्रकों का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? तो दोस्तों उसका सेल पर पुनः व्यवस्थापन, भंडार सत्यापन, स्टॉक वेरिफिकेशन और ग्रंथ विनिशन या सेल्फिंग द्वारा सेल पर प्रत्येक खंड का प्रदर्शन करना, ये सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बजट की वह विधि जिसमें पूर्व घटित घटनाओं को न दर्शाते हुए केवल भविष्य की आवश्यकताओं का अवलोकन हो, निम्न में से क्या है? तो फ्रेंड्स वह हमारा जीरो बेस बजट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतः नवीनीकरण की विचारधारा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? दोस्तों यह है MP Line के द्वारा प्रस्तुत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय किसी एजेंट के माध्यम से पत्रिकाएं मंगवाई, ये कथन किससे संबंधित है? तो फ्रेंड्स यह हमारा नीति से संबंधित है, पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोर्ड ऑफिस कमेटी निम्न में से निर्धारित करने में सहायता करती है, किस चीज़ के निर्धारित करने में सहायता करती है? विदेशी विनिमय मुद्रा दर, फॉरेन एक्सचेंज में जो है रेट तय करने के लिए वो हेल्प करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेस्टर्न इलेक्ट्रॉनिक हार्थ्रोनो प्लांट में अल्टन मायो के शोधकर्ताओं ने यह खोजने की कोशिश की कि सामाजिक सम्मान पारितोषिकों के द्वारा श्रमिक अधिक अभिप्रेरित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रबंध के वैज्ञानिक तथा विशिष्ट क्लासिकल स्कूलों की मुख्य आलोचना किसमें है? संस्थान संबंधी विशेषताओं पर बल देने में, व्यक्तिगत स्वरूप को नकारने में तथा संस्थान के अंतर्गत होने वाले संघर्षों पर विचार न करना, इन सभी के कारणों से जो है
प्रबंधन के वैज्ञानिक और क्लासिकल स्कूल की जो है आलोचना होती है। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर है हमारा उपर्युक्त सभी। वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल के जनक कौन हैं? फ्रेंड्स, वैज्ञानिक प्रबंध स्कूल के जनक W.F. टेलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नेटवर्क प्राथमिक रूप से शैक्षणिक उद्देश्य से असंबंध है? संबंध नहीं है दोस्तों, निकनेट का संबंध शैक्षणिक उद्देश्यों के साथ नहीं है, ठीक है, बाकी सबका एजुकेशनल रिलेटेड है। नेक्स्ट है, यूनिसिस्ट निम्नलिखित में से किसका एक संयुक्त कार्यक्रम है? तो फ्रेंड्स, यूनिसिस्ट यूनेस्को और ICSU का ज्वाइंट प्रोग्राम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक निषाद का अक्षेत्रीय केंद्र नहीं है? तो राष्ट्रीय सूचना केंद्र इसका अक्षेत्रीय केंद्र नहीं है, बाकी नेशनल लेबोरेटरी सेंटर और ATRI इसके क्षेत्रीय केंद्र हैं। OPEC का पूरा नाम क्या है फ्रेंड्स? ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग इसका पूरा नाम है। पहले इसका क्या नाम था? OIO पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है ना। एग्रिस के लिए भारतीय इनपुट सेंटर कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत में एग्रिस का जो इनपुट सेंटर है वह ICAR है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा कंप्यूटर की प्रोग्रामिंग भाषा नहीं है? तो फ्रेंड्स, फोरट्रॉन भी भाषा है, बेसिक कोबोल भी, ASCII इसकी बेसिक भाषा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर शब्दावली में सी से क्या तात्पर्य है? तो फ्रेंड्स, कंप्यूटर की शब्दावली में सी क्या है? एक प्रोग्रामिंग भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICSU इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किस में किया गया है? कौन सी जनरेशन के कंप्यूटर में ICSU का प्रयोग किया गया है? फ्रेंड्स, हमारी तीसरी पीढ़ी में ICSU इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संग्रह उपकरणों में परिवर्तन क्षमता के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन है ए, फ्लॉपी डिस्क की अक्षमता सबसे कम होती है, फिर मैग्नेटिक टेप की होती है, उसके बाद हमारी मैग्नेटिक डिस्क और सबसे ज़्यादा जो मेमोरी होती है फ्लॉपी डिस्क की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक मेल को किसके माध्यम से प्रेषित किया जाता है? तो दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक मेल को हम कंप्यूटर मॉडम के माध्यम से प्रेषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उधार देने की प्रवृत्ति पर स्वतंत्र प्रवेश का प्रभाव ओपन एक्सेस इस विषय का प्रत्यक्ष अध्ययन प्रकट करता है कि स्वतंत्र प्रवेश से तात्पर्य है एक स्वतंत्र रूप में अस्थिर तत्व। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, कोर सेल डिजाइन का प्रयोग निम्नलिखित में से किस में होता है? तो परीक्षणों में कोर सेल डिजाइन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय में पुस्तक कर्मियों को प्रोत्साहित करने के लिए शोध में यदि शोधकर्ता प्रत्येक वर्ग के कर्मचारियों में से हर 5वें कर्मी का अध्ययन करें, जैसे कनिष्ठ पुस्तकालय अध्यक्ष, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष, उप पुस्तकालय अध्यक्ष, निम्न में से ये किस प्रकार की प्रक्रिया होगी? तो ये दोस्तों नियमित प्रक्रिया होगी। तो फ्रेंड्स, ये थे प्रैक्टिस सेट के कुछ क्वेश्चन, बस ऐसे ही आपको प्यार मिलता रहे। दोस्तों, लाइक शेयर कमेंट्स करना ना भूलें और सब्सक्राइब करें माय चैनल। फ्रेंड्स, जल्दी मैं आप लोगों के लिए लगभग 8 या 10 साल के लाइब्रेरी साइंस के नेट के क्वेश्चंस आंसर दूंगा। फ्रेंड्स, 9 और 10 का तो मैं UGC नेट के क्वेश्चन आपको दे चुका हूँ, है ना, कोशिश और रहेगी, देखते हैं कितना हो पाएगा। और बस इसी तरह आप लाइक शेयर करते रहिए ताकि उन लोगों को भी अच्छी प्रिपरेशन हो सके जो लोगों तक बुक का एक्सेस नहीं है।
ठीक है फ्रेंड्स, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार, मिलते हैं जल्दी एक ब्रेक के बाद।